हेलो स्टार्ट हुई आवाज़ हेलो हेलो हाँ सर आवाज़ आ रही है देख लो स्टार्ट हो गया ठीक है चलो भाई सब लोग वेलकम 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 सबका स्वागत है स्वागत है ठीक है आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करने वाले और सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले ओके सब लोग ट्राई करते रहो जितना हो सकता है हाँ भाई अब आवाज क्लियर हो गई है शायद यकीन टू पॉइंट सबके सब आ गए ठीक है सबको नमस्कार हाँ भाई सबको बस बस बहुत सारे अब चलो एक काम करते ठीक है ना बहुत बढ़िया हो गया भाई हेलो हो गया अब अब एक काम करते इस सेशन का ना मीनिंग समझते हैं कि आखिर इस सेशन में होने क्या वाला है और आगे आखिर आने वाले सेसन्स में क्या होने वाला है जैसे अभी तक बॉटनी जुलोजी अब आपका हो रहा है ब्रह्मास्त्र में तो वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मास्त्र में जो हम लोग करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले मतलब जब भी आपको नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र मिलेगा तो उसमें पहले ही बता दिया जाएगा कि ये चैप्टर आपको रिवाइज करके आना है और इस चैप्टर को रिवाइज करते करते आप सर रिवाइज करके आइए और यहाँ पे ना आपको टाइम दिया जाएगा कि हाँ यार एक मिनट दो मिनट मैं बोल दूंगा आप उसके अंदर आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए रियल एग्जाम वाला फील लो लगे कि हाँ सर साथ साथ में, में टीचर्स अगर साथ में खड़े हैं तो एग्जाम हॉल में कैसे मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ पक्का ऐसी ऐसी चीजें करनी है इस पूरे पूरे सीरीज में कि सर फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो सबको मक्खन बना लेना है और ये मक्खन बनाने का प्रोसेस ना हम दोनों को मिलके करना है जब हम दोनों साथ में मिल के कर रहे होंगे तब ज्यादा ज्यादा कुछ करने वाले ठीक है।, है ना सिर्फ 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 सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ पढ़ते रहोगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी दिक्कत आने वाली है तो बेटर है साथ साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे अभी क्या करने वाले हैं तो अभी नेक्स्ट तीस क्वेश्चंस पच्चीस क्वेश्चन बीस क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते हैं अभी इस टाइम पे साथ साथ में मूल कॉन्सेप्ट की आप मेरे साथ साथ करने वाले हो जितने हो सकते हैं ठीक है सारे ये सारे मिल जाएंगे आपको पीडीएफ वीडियो आप टेंशन मत लो शायद तो अपने पास द्रोणा बैच के उसमें मिल जाएंगे आप वेट एंड वॉच आपको मिल जाएगा शायद लिंक दिया गया होगा ठीक है ना तो आप उसकी टेंशन मत लो आप ना पेन एंड पेज लेके बैठ जाओ आप यहाँ एंड पेज लेके बैठ जाओ और वहां अपने पास एक पेन एंड पेज लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा आप ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आप साथ में अटेम्प्ट करके देखो यार मैं सर ना साथ में अटेम्प्ट कर रहा था मुझे इतना टाइम लग रहा है लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कितना कितना कितने टाइम में कितना कुछ हो रहा है मतलब अगर तीस क्वेश्चन है तो उसको करने में आपको कितना टाइम लग रहा है आप कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो जो लोग सीखने के लिए आए हैं वो लोग साथ साथ में सीखते जाओ जो लोग रिवाइज करके आए हैं वो लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सही करेंगे देखेंगे कि सर मैं ये वाली गलती कर रहा था मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ कर सकते थे आप ऐसी मिस्टेक्स एग्जाम हॉल में जल्दी जल्दी कर सकते हो ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन मिलने वाले अब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे लेकिन हाँ ले एंड पेज लेके बैठ जाइए एक रफ पेज लीजिए और आराम से मतलब होता ना कि रात के टाइम पे अगर पढ़ाई कर रहे हो भाई तो यार कुछ तो फायदा उठाया जाए ऐसी चीजें की जाए जिससे बहुत कुछ सीखने को मिले तो हम लोग स्टार्ट बहुत बेसिक से करेंगे और वहां से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे और फिर कुछ अलग लेवल पे क्वेश्चंस को लेके जाएंगे जहां पे आप फंसोगे भी सीखोगे भी और अपने अंदर चेंजेस भी करोगे अगले एग्जाम से पहले और नीट के एग्जाम से पहले तो एकदम ही ये सारे चेंजेस अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना ठीक है तो अब स्टार्ट करते मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सब लोग तैयार हो पेन एंड पेज लेके हाँ भाई रेडी पक्का कमेंट आ गए रेडी के चलो यार ठीक है हाँ भाई बढ़िया बढ़िया सब लोग अब सब सबको सबको ढेर सारा प्यार बस भाई अब ट्राई करते इस सेशन का फायदा उठाते ठीक है ना सिर्फ कमेंट करने के लिए आने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई कमेंट करने के लिए आ रहे बेटर है कि आप पेन एंड पेज लो एज अ टीचर मुझे ज्यादा खुशी होगी जब आप इसमें कमेंट करोगे हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन ज्यादा सही हुआ ये क्वेश्चन मैं तीस सेकेंड में करके चला गया ये क्वेश्चन पचास सेकंड में वो कमेंट ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू आप ठीक है ना तो उन सब चीजों की जरूरत है ओके okay, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और हमारे पास पहला क्वेश्चन लेके आता हूं मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो वहां से देखना कि सर वहां से क्या क्या चीजें आने वाली है ठीक है चलो भाई पहला क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का रेशियो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अपने पास प्रोटोन और न्यूट्रॉन का रेशियो क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन आपके सामने है आप आराम से इस क्वेश्चन को करने के लिए

सिलिकॉन का एटॉमिक मास दिया हुआ है ट्वेंटी वर्ड ट्वेंटी एट और इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है फोर्टीन पक्का तो सर देखो अपने पास देखो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बताता हूँ मुझे बोला जा रहा है न्यूट्रॉन का रेशियो बताओ तो इसका न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे ट्वेल्व माइनस सिक्स कितना हो जाएगा सिक्स और इसका न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे ट्वेंटी एट माइनस फोर्टीन कितना हो जाएगा फोर्टीन आपको किसका रेशियो बोला गया है प्लीज एग्जाम में वर्थ का देखना कार्बन एंड सिलिकन कार्बन एंड सिलिकन तो कार्बन का न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन अपॉन न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन अपॉन न्यूट्रॉन्स ऑफ सिलिकन निकालना है ध्यान से देखना भाई गलती से उल्टा रेशियो दे दिया तो भी गलत हो जाएगा अपने को देखो यहां पे सर ये थ्री बाई सेवन का रेशियो आएगा सर करेक्ट आंसर इज सी करेक्ट आंसर इज सी बट एग्जाम हॉल में एक ऑप्शन दिया है डी आप ना एग्जाम हॉल के ऑप्शंस देखो जब एग्जाम में आप जल्दी जल्दी करते हो ना तो ये ऑप्शन भी आप कर सकते हो ऐसे लोगों को बच के रहना है यहां पे ये गलती हो सकती है न्यूट्रॉन्स का नंबर सर बहुत बेसिक सा है आप इन्थ क्लास के बच्चे को भी पता है कि न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे आता है एटॉमिक नंबर नीचे मास नंबर ऊपर दोनों में से इसको माइनस दिस कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं इसलिए बोल रहा हूं एग्जाम की लैंग्वेज बोलो एग्जाम में बोले कोई बोले सर मैं उल्टा नहीं ले सकता था नहीं लेना है अगर एग्जाम में पहले कार्बन लिखा है जब तक आपको लिखा ना जाए सिलिकॉन वर्सेस कार्बन तब तक उल्टा मत ले लेना क्योंकि एक ऑप्शन दिया भी है कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं यार इसके नंबर जहां ज्यादा दिख रहे हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं ये गलती नहीं करनी है पक्का सी वाला आंसर सही है बहुत बढ़िया जिन लोगों का आंसर सी आया है बहुत सही कुछ लोग का आंसर बहुत फास्ट आया बहुत अच्छी बात है बेटा आप लगे रहिए और यही डेकोरम मेंटेन कीजिए अभी बस टाइम के साथ साथ और देखते अभी ये पहला इजी क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो इजी क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे लोग पाँच सेकेंड दस सेकेंड बीस सेकेंड जितने लोगों ने अच्छे से किया बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन जो है अगला कॉन्सेप्ट एक रिवाइज करते हैं। ये तो एटम्स का प्रोटॉन्स का नंबर न्यूट्रॉन्स के नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ गया अगला कॉन्सेप्ट देखो एक कॉन्सेप्ट होता है मूल कॉन्सेप्ट के अंदर एवरेज एटॉमिक मास का एवरेज एटॉमिक मास का एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट याद करो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या था कि सर अगर कोई आइसोटोप्स दिया है अगर दो तीन एक एक एलिमेंट के दो तीन आइसोटोप्स दिए हुए हैं तो सर आप क्या करते हो वहां पे आप ना परसेंटेज अबेंडेंस को किससे मल्टीप्लाई करते हो उसके एटॉमिक मास से और डिवाइडेड बाय कितना कर देते हो हंड्रेड तो क्या आता है एवरेज एटॉमिक मास पक्का उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलो भाई अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ ये क्वेश्चन देखो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन में से एक है सर ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लाइफ में अब ये क्वेश्चन देखो अपने पास

कैसे निकालोगे इस तरह के क्वेश्चन सर याद करो हम लोग क्या करते थे अगर दो एलिमेंट्स हैं मैं ऐसे बना दूं पिक्चर आप एग्जाम हॉल में अगर ज्यादा सेफ साइड खेलना चाहते हो तो आप ऐसे देख लो सर इसका परसेंटेज अबंडेंस अगर एक्स परसेंटेज अबंडेंस लेता हूं अगर मैं इसका अबंडेंस एक्स परसेंट लेता हूं तो सर दूसरे का अबंडेंस कितना हो जाएगा हंड्रेड माइनस हो जाएगा क्या हंड्रेड माइनस हो जाएगा क्या देख लो सर यही होने वाला है इसका इसका एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास को अगर शॉर्टकट में लिखूं शॉर्टकट में ये तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 51.7 दिया हुआ है क्या पक्का और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है हमने सबने पढ़ रखा है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है कि सर कुछ नहीं एटॉमिक मास एटॉमिक मास इंटू सर किससे मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज अबंडेंस से परसेंटेज अबंडेंस से और किससे डिवाइड कर दो हंड्रेड से पक्का तो यही निकालना है फटाफट देख लो अपने पास एवरेज एटॉमिक मास कितना है फिफ्टी वन पॉइंट सेवन सर क्या होने वाला है फिफ्टी सर इसका एटॉमिक मास फिफ्टी इसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो सर इसका फिफ्टी टू इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड माइनस से डिवाइडेड बाई क्या करने वाले हैं हंड्रेड पक्का सर कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा फाइव वन सेवन जीरो दैट विल बी फिफ्टी एक्स प्लस फिफ्टी टू हंड्रेड माइनस फिफ्टी टू एक्स सर सॉल्व करेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो दैट विल बी 2x एक्स इज इक्ल्स टू थर्टी एक्स इज इक्ल्स टू फिफ्टीन सर x किसकी वैल्यू थी इसकी वैल्यू थी कितनी हो जाएगी 50 वाले की कितनी हो जाएगी सर x की वैल्यू 15 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85 सर x की वैल्यू देखो जेड फिफ्टी इसका कितना हो जाएगा 15 परसेंट क्यों क्योंकि यही x है और जेड फिफ्टी ये कितना हो जाएगा 85 फाइव परसेंट बिकॉज ये कितना है ंड्रेड माइनस एक्स है तो देख लो भाई कौन सा आंसर होगा सबसे पहले ए आंसर आ जाएगा बहुत सारे बच्चों ने पहले से ही आंसर देना शुरू किया बहुत बढ़िया बहुत सही थोड़ा सा अब देखो कुछ लोगों को मैं साथ में लेके चल रहा कुछ लोग थोड़ा रिवाइज करके नहीं आए होंगे इसलिए मैं साथ साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया लेकिन हाँ बाकी लोग अब साथ साथ में इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दिया तो अब ना सर साथ साथ में देख लो अच्छा यहां पे एक चीज देखना ऑप्शन ए और बी देखो ध्यान से देखो एग्जाम हॉल में कैसे मजे लिए जा रहे ऑप्शन ए जो ज्यादा जल्दी में कैलकुलेट करेगा ना उसके लिए दो ऑप्शन ट्रैप किए गए एग्जाम हॉल में दो एलिमिनेट करने का मजा देखो अपने अपने पास ठीक है एग्जाम हॉल में दो ऑप्शन देखो कैसे फंसाया जा रहा है मतलब आप सॉल्व करके आए ना तो उसके बाद भी आप गलत करने के चांसेस ले सकते हो आप उसके बाद भी गलत कर सकते हो कैसे ये दो ऑप्शन आपको दिए गए पक्का तो ये सब चीजों सीखो और ये ट्राई करना है पक्का अब एवरेज एटॉमिक मास बेटा जिन लोगों ने रिवाइज करके आए उनके लिए तो बहुत फास्ट हो गया होगा जो लोग अभी रिवाइज कर रहे हो या क्लास में आए सीखने के लिए तो भैया ये देख लो अपने पास ये फॉर्मूला होता है इसी को यूज करना है पक्का चलो भाई अगला क्वेश्चन देख भाई अगला क्वेश्चन अब तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट यूज करो और अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आया ना नीट में तो होता है ना कि हाँ भाई अठारह लाख में से पांच लाख तो छोड़ दो एक लाख लोग सही सही आंसर आंसर टिक टिक करने वाले। सर, ये सही टिक करने वाले वाले सर लोग इनमें से काफी कम होंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना और ट्रैप होने की चीजें इतनी सारी इस क्वेश्चन में है ना अभी जस्ट आपने पढ़ा एटॉमिक मास का मैंने कॉन्सेप्ट बताया एटॉमिक मास का आपको कॉन्सेप्ट बताया एटॉमिक मास का आपको कॉन्सेप्ट बताया सर देख लो अपने पास के इसने कितने दे दिए हैं मुझे तीन आइसोटोप दिए हुए हैं मैग्नीशियम के तीन आइसोटोप दिए हुए हैं मैग्नीशियम ट्वेंटी फोर दिया गया है उसका मूल परसेंटेज कितना है सेवेंटी नाइन परसेंट एब दिया जा रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो रिमेनिंग ट्वेंटी वन परसेंट मैग्नीशियम के तीन आइसोटोप्स हैं सेवेंटी नाइन परसेंट ट्वेंटी फोर वाले का है और ट्वेंटी वन परसेंट इन दोनों को मिला के है मतलब 25 और 26 मैग्नीशियम के जो दो आइसोटोप्स बन रहे हैं और सर मैग्नीशियम के जो दो आइसोटोप्स बन रहे हैं मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26 इसकी वैल्यू कितनी ले लूं एक्स परसेंट तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी वन माइनस एक्स परसेंट सर एबंडेंस ऐसे ही लिखूंगा एबंडेंस ऐसे ही लिखूंगा और उसके बाद बस सॉल्व करना रह गया है अब ध्यान से देखना अपने पास सर एवरेज एटॉमिक मास अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा क्या होता है सर 24 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 79 से सर 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स से और 26 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 21 वन माइनस एक्स से डिवाइडेड बाई क्या कर दो 100 सर कैलकुलेट करेंगे आंसर निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे आंसर निकालेंगे सर कैलकुलेशन थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे ट्वेंटी फ़ाइव एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स वन जा ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सिक्स टू जा फिफ्टी फोर फिफ्टी टू फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स अपॉन हंड्रेड तो हंड्रेड को इधर लेके आ जाते हैं इतना क्या ही सोचना है 100 को इधर लेके आ जाते हैं अगर मैं इसको बोलूं 24.31 चलो मैं एक और स्टेप लिख देता हूं जो लोग कैलकुलेशन करने में थोड़े स्लो हैं थोड़ा सा भैया इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24 फ़ोर इंटू अगर मैं 24 फ़ोर इंटू करता हूं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 36 थोड़ा फास्ट करेंगे और अपने पास कितना हो जाएगा थर्टी और ये कितना हो गया एटीन और ये वन तो दिस विल बी सिक्स नाइन और एट 1896. तो ये कितना हो गया 1896 नाइनटी सिक्स प्लस पच्चीस एक्स प्लस फाइव फोर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स सर इसको सॉल्व करना शुरू कर दो तो ये कितना हो गया एक्स की वैल्यू देखोगे तो कुछ नहीं 1896 सिक्स प्लस फाइव फोर्टी सिक्स माइनस टू फोर थ्री वन आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू इलेवन परसेंट आ जाएगी x की वैल्यू इलेवन परसेंट आ जाएगी अगर मैंने देखो ध्यान से इलेवन परसेंट अगर टिक कर दिया तो आंसर ट्रैप हो जाऊंगा मैं क्यूं? क्यों क्योंकि क्वेश्चन में किसका परसेंटेज पूछ रहा है सर मैग्नीशियम का परसेंटेज पूछ रहा है कौन से मैग्नीशियम का ट्वेंटी सिक्स वाले का तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा ए ऑप्शन होगा इलेवन नहीं हो सकता सर सर इलेवन नहीं होगा अपने पास इलेवन नहीं होगा अपने पास ये ध्यान रखना इलेवन नहीं होने वाला इलेवन किसका होगा सर मैग्नीशियम ट्वेंटी फाइव का क्यों क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है सर एक्स की वैल्यू कितनी होगी इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीशियम ट्वेंटी फाइव का मूल परसेंटेज कितना आ जाएगा इलेवन परसेंट तो मैग्नीशियम ट्वेंटी सिक्स का कितना आ जाएगा सर ट्वेंटी वन माइनस इलेवन एंड दैट विल बी टेन परसेंट सर देख लो अपने पास ये क्वेश्चन में ट्रैप कैसे होते हैं इन क्वेश्चन में कैसे ट्रैप होते हैं ये, सीख लो। पक्का ये कैसे ट्रैप होते हैं ये देख लो अपने पास हो जाएगा सर बी ऑप्शन नहीं होने वाला याद रखना गलती से भी बी ऑप्शन जल्दी जल्दी में टिक मत कर देना जल्दी जल्दी में ट्रिक मत कर देना एग्जाम में सर जिस दिन ये क्वेश्चन आए ना उस दिन आपका रैंक अपने आप ही सडनली बूम करता है अगर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं अगर ट्वेंटी सिक्स कोई एक्स मान लेता हाँ सर चलता फिर आप 26 को भी एक्स मान के कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी आप इसको एक्स लेते तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 21 वन माइनस एक्स हो जाती इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 21 वन माइनस एक्स हो जाती पक्का चलो भाई एवरेटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट हो गया एवरेटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट हो गया अब सर अगला कॉन्सेप्ट देखो जो मोल कॉन्सेप्ट के मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं मूल कॉन्सेप्ट के हैं बहुत बेसिक्स लेकिन सर जब पूछे जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन है जब पूछे जाएंगे तो आपको सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए इस क्वेश्चन का देखो अपने पास इस क्वेश्चन का देखो अपने पास इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो जिन लोगों का हो जाए सर क्या करने वाले इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर क्या होने वाला है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड H22 सर एक मॉलिक्यूल का कंपाउंड का बताना है याद करना अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया है सर याद रखो एक शॉर्टकट बता देता हूं एक सिंपल चीज बता देता हूँ वॉटर है इसको 18 लिखते हैं तो ये इसका क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास ये इसका क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास ये इसका क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास लेकिन वाटर के आगे 18 ए एम यू लिख देता हूं तो ये क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का मास है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सर ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो फटाफट और अगर इसी के आगे 18 ग्राम लिख देता हूं तो दैट विल बी मास ऑफ वन मोल दैट विल बी मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिफरेंस देखना अपने पास आपको डिफरेंस देख लो अब मुझे बोला गया C60 H122 सर अगर ये क्वेश्चन पहले इसका सर क्या निकाल दूं सर कार्बन का मास कितना होगा 16 इंटू ट्वेल्व हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू वन सॉल्व करूंगा 842 आ जाएगा जैसे ही मुझे एक ही मॉलिक्यूल का मास निकालना है एक ही मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो सर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 842 फोर्टी टू लेकिन यहाँ ए में नहीं पूछ रहा है किस में पूछ रहा है ग्राम में तो सर 842 फोर्टी को एमय कितना ग्राम होता है 1.67 की पावर minus 24 ग्राम इसको सॉल्व करूंगा 16 इंटू एट तो सर ये 141. फोर्टी पॉइंट इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1.4 पॉइंट फोर की पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम आंसर क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन इसका आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन जिन लोगों ने डी दे रहे बहुत बढ़िया भाई बहुत सही बस टाइम के साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ ठीक है ना टाइम के साथ साथ बस क्वेश्चंस देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही बताता जा रहा हूँ जिन लोगों को लग रहा है भाई फटाफट अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे से ये गलतियां हो रही हैं तो उसको रियलाइज करो और उसको याद रखो कि हाँ यार मैं ये गलती नहीं करने वाला पक्का

नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बेटा इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिख दूँ कितना होगा वन अपॉन कितना हो जाएगा सिक्सटीन ये इतने मोल्स हुए किसके ऑक्सीजन के ऑक्सीजन अकेला दिया है मतलब एटम है तो सर मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इसको इतने आइटम्स लिख दू क्या अरे सर ऑक्सीजन अकेला दिया है मतलब एटम दिया हुआ है तो कितने एटम्स एटम्स हो हो गए इतने हो गए इतने किसने बोला सर ओ टू के अंदर एटम्स बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू कितना हो जाएगा सर एट अपॉन सॉरी वन अपॉन ओ टू के कितने मोल्स हो जाएंगे थर्टी टू मोल्स ऑफ ओ टू लेकिन ऑक्सीजन ओ टू क्या है मॉलिक्यूल है तो इसके एटम्स क्या होंगे सर इसके एटम्स क्या होंगे वन बाई थर्टी टू इन टू पहले क्या निकालना पड़ेगा एने मॉलिक्यूल्स एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू एंड दैट्स वाई सर इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई थर्टी टू इन टू एन ए सर एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के आइटम्स हैं टू सर इसको इसको कैंसल आउट करेंगे सर इसका आंसर कितना आ गया अब मैं थर्ड पार्ट को देखूं तो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितना होगा वन अपॉन फोर्टी एट इतने ओजोन होगा ओजोन इज अगेन अ मॉलिक्यूल तो मुझे पहले एन ए से मल्टीप्लाई करके क्या मिलने वाला है वन बाई फोर्टी एट एन ए सर ये क्या मिलेगा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मुझे ओजोन के और अगर मुझे एटम्स चाहिए ऑक्सीजन के तो सर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं थ्री तो सर इसको क्या करने वाला हूं वन बाई फोर्टी एट एन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम्स देख लो सबके आंसर्स क्या आने वाले हैं सबके आंसर्स क्या आने वाले हैं सेम आने वाले सबके आंसर्स क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं लेकिन जो लोग एग्जाम में अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए ना उनको क्या लगता है मास सबका सेम है तो सर आंसर सी मार देते हैं उनको लगता है मास सेम है तो नंबर ऑफ मोल सेम हो गया तो एटम सेम हो जाएगा नहीं 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 सर नंबर ऑफ मोल सेम होने से मास सेम होने से आप नंबर ऑफ एटम्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा और तब जाके आपको आंसर आ पाएगा अब तुम्हें सर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबने प्रैक्टिस भी करी होगी तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रखा है अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में देखो अगले वाले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं सब लोग कि सर इस क्वेश्चन को यह क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द लोगों ने जिन्होंने प्रीवियस ईयर कर रखा है उन्होंने कर रखा होगा अगला क्वेश्चन देखो और उसको अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चंस देखो और आप थोड़ा सा स्पीड में आओ इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ी स्पीड में आओ अपने पास अपने पास थोड़ी स्पीड में आओ इस क्वेश्चन को पकड़ो और जिन लोगों ने अब पहले वाला क्वेश्चन स्पीड में किया अब इस क्वेश्चन को पकड़ के स्पीड पकड़िए सर क्या करने वाला ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए किसमें फोर पॉइंट फोर ग्राम ऑफ सी टू में सर जब भी आपको इस तरह का दिया जाए पहले जो मॉलिक्यूल है उसका क्या निकाल दो मोल्स निकाल दो सर इसके कितने मोल्स हो गए जीरो पॉइंट वन मोल हो गया किसका सी टू का जैसे ही मैंने लिखा इतने मोल्स पहले क्या निकाल दो मॉलिक्यूल्स निकाल दो किसके सी ओ टू के सर इसके मॉलिक्यूल्स निकाल दो और किसने बोला सर एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ CO2 टू के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं दो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे बस मल्टीप्लाई करो भाई मल्टीप्लाई करो बस आंसर निकाल दो सर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री सर सिक्स पॉइंट वन पॉइंट टू हो जाएगा एंड टेन की पावर ट्वेंटी थ्री सर आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन बस कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना अब अब कुछ लोग रिदम में आ गए सबके कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं पच्चीस सेकंड में बहुत बढ़िया जिन लोग ये बीस सेकंड पच्चीस सेकंड में आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है ना बहुत बढ़िया शानदार बस प्रैक्टिस करते जाइए जितना हो सकता है सर इससे भी शानदार अभी अगला क्वेश्चन उससे भी शानदार आने वाला है आप मॉलिक्यूल्स में प्रैक्टिस कर रहे हो एटम्स निकाला मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं एटम्स निकाल रहे हैं अभी और भी क्वेश्चन देखो और सीखते जाओ जिन लोगों की प्रैक्टिस छूट रखी है या जिन लोगों ने बहुत पहले किया है साथ साथ में अब थोड़ा रिदम में आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए पक्का चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है सर ये क्वेश्चन देखो फिर से एटम्स के ऊपर की बात चल रही है एटम्स के ऊपर ही बात चल रही है एटम्स के ऊपर ही बात चल रही है इस क्वेश्चन का आंसर देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना शुरू होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा होगा अपने पास मैग्नीशियम फॉस्फेट है कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा जिसके पास को देखूं ध्यान, देखू ध्यान से तो क्या है एक मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने है? अगर मैं इसका एक मोल लेता हूं या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर एट मोल एटम्स ऑफ एट मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज एट मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रजेंट इन एट मोल ऑक्सीजन ऑफ एटम इज प्रजेंट इन वन मूल ऑफ वन मूल ऑफ मैग्नीशियम फॉसफेट सर ये देख लो अपने पास एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट को अगर ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर फॉर्मूले को देखो एक मोल मैग्नीशियम फॉसफेट में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे एट तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा वन मोल में कितने एटम्स होंगे वन बाई एट और सर ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिए गए हैं जीरो पॉइंट टू फाइव मोल्स जीरो पॉइंट टू फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रजेंट इन वन बाई एट इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट सॉल्व करेंगे अपने पास आंसर आना शुरू होगा ये कितना हो गया 1 बाई थर्टी टू इतने मोल्स मोल्स इज नथिंग को सर, कैसे आ रहे किस तरह के क्वेश्चन मिल रहे, हैं किस तरह मिल रहे हैं? उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा दो ये क्वेश्चन इन लिमिट करो टाइम लिमिट के साथ करो तीस सेकेंड चालीस सेकेंड बहुत है तीस चालीस सेकेंड बहुत है इस क्वेश्चन को करने के लिए थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में इतना टाइम देख नहीं करते हम लोग थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं मैं आपके सामने एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आप एग्जाम हॉल में किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे मैं बहुत सारे लोग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में इसलिए मैं लिख के कर रहा हूँ आप सर अपने हिसाब से कर लो आप अपने हिसाब से, से कर लो कि हाँ सर मुझे दिख गया कि मैग्नीशियम फॉस्फेट के फॉर्मूले में सर मैग्नीशियम के तीन ऐटम है फॉस्फरस के दो ऐटम है ऑक्सीजन के आठ हैं फटाफट करके निकाल दो पक्का हो जाएगा सर ये देखो अगला क्वेश्चन देखो उससे भी शानदार ये ये भी क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन देखो अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं किसी भी टाइप ये इस टाइप के देखो विज द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा और किसके ज्यादा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे किसके ज्यादा होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा सर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसा निकालूंगा एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा सर पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ़ हाइड्रोजन निकालूंगा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2.24 सर वॉल्यूम दिया है तो सर यही होता है शायद नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या होता है वन बाई यही होगा और इतने मोल्स होंगे किसके हाइड्रोजन के तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए सर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए सर एन ए बाई

नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1.5 कितना हो थ्री बाई फोर मोल्स मोल्स और इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स इसके पास इतने मॉलिक्यूल्स हो गए तो चारों के मॉलिक्यूल्स एग्जाम हॉल में फास्ट फास्ट निकाल के देख लो इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो एट बाई थर्टी टू वन बाई फोर मोल्स और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वन बाई फोर इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वन बाई फोर इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सर सबसे बड़ी नंबर कौन सा सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे बी वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है बी वाला जिन लोगों का जितना भी टाइम लगता है ना फटाफट देख भाई टाइम बताओ कितना टाइम लग रहा है दस सेकेंड पांच सेकेंड छह सेकेंड बीस सेकेंड कितना टाइम लग रहा है टाइम बताओ अपने को बी आंसर आ गया वेरी गुड टाइम बताओ टाइम के साथ गेम खेलते ये टाइम कितना लग रहा है बहुत सही जिन लोगों का बी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया लेकिन टाइम का देखो अपने पास ठीक है टाइम का देखो कितने टाइम में कर रहे हो ज्यादा टाइम पांच सेकंड वाले बहुत हैं पच्चीस चार वेरी गुड ठीक है दस सेकंड वाले भी हैं ठीक है ये स्पीड है तो बहुत बढ़िया भाई आप बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो बस ऐसे ही सीरीज में आओ और हर एक संडे की रात को पहुंच के अपना एक देखो कि मैं

जो स्टार मार्क क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक है ये ये स्टार मार्क क्वेश्चन में से एक है ठीक है ना स्टार मार्क क्वेश्चन में से एक है आप इसको अटेम्प्ट करके देखो कितना सुंदर अगर ये क्वेश्चन आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है अगर एग्जाम हॉल में मिल जाएगा ना मैं लिख के देता हूँ कि भैया सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से हो पाएगा जो सिलेक्शन सिलेक्शन लेके लेके जाने वाले क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अगर आपने नहीं देखा है आप देखते ही डरना शुरू कर जाओगे ठीक है ना एग्जाम में देखते ही डरना शुरू हो जाओगे इस तरह के क्वेश्चन है सर वन आटम, मास एक्स मतलब कितना हो गया सर जीरो पॉइंट फोर 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 टाइम्स मास ऑफ मैं ऐसा लिख सकता हूं मोलर मास ऑफ वाई अगर ये क्वेश्चन आपको पहली बार मिल रहा है तो समझ जाओ इस तरह क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे ठीक है सर अपने पास सेकेंड लाइन देखो एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज नथिंग मास ऑफ एक्स इज नथिंग 2.96 मास ऑफ कार्बन एटम सर कार्बन के आइटम का मास कितना होगा कार्बन के आइटम का मास कितना होता है सर कार्बन के आइटम का मास आपको ही पता है कितना होगा 12 होगा अगर कितनी बात करें वन एटम ऑफ कार्बन बोल रहा है ना तो कार्बन के आइटम्स का मास कितना हो जाएगा ट्वेल्व तो इसका आंसर निकालेंगे कैलकुलेट करके तो ये कितना आ जाएगा थर्टी कितना आ जाएगा थर्टी फाइव पॉइंट फाइव टू मोलर मास ऑफ एक्स आ गया मेरे से मोलर मास पूछ ही नहीं रहा वो बोल रहा है वाई का एटॉमिक मास बताओ तो कुछ नहीं एटॉमिक मास ऑफ वाई निकाल दो एटॉमिक मास ऑफ वाई क्या आ जाएगा सर मास ऑफ एक्स अपॉन जीरो पॉइंट ट्रिपल फोर सर कितना है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव टू डिवाइड बाई जीरो पॉइंट ट्रिपल फोर इसको सॉल्व करेंगे तो एट्टी अपने पास आंसर आना शुरू हो जाएगा एट्टी मेरा क्या आ जाएगा आंसर ये क्वेश्चन कुछन, अच्छे क्वेश्चंस में है और इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम हॉल में मिल जाए आपको स्टैंडर्ड किसके रिस्पेक्ट में दिया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है तो जिनकी प्रैक्टिस है उनके लिए मतलब होता है ना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो लोग पहली बार देख रहे हो या जिनको लग रहा है नहीं यार मुझे टाइम लग रहा है तो बेटा ये सेशन इसीलिए हो रहा है ये सारे सेशन का फायदा तभी है जब आप घर पे जाके एनालाइज करो कि हाँ यार मुझे कैसे करना है मुझे किस तरह से ये चीजें अटेम्प्ट करनी है कैसी चीजें करनी है कैसे इसको और अच्छा बना सकता हूं मैं कैसे मैं फास्ट कर सकता हूँ पक्का कुछ लोग एटीन सेकेंड में सोचो से इस क्वेश्चन को कर गए तो बहुत बढ़िया ठीक है कुछ पंद्रह सेकेंड ठीक है बहुत बढ़िया जो लोग पहली बार कर रहे हैं आपके लिए सोचो ना कितना लर्निंग एक्सपीरियंस है कि सर आप ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए कितना अगर आ जाए एग्जाम हॉल में डायरेक्टली पक्का ठीक है अरे जो अच्छा कुछ लोग है सर टाइम ज्यादा दे दो भाई टाइम ज्यादा देंगे ना तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो जाएगी तो समझो चीजों को साथ साथ में जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके ही दिखाओ कुछ क्वेश्चन आप ना साथ में देख लो कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ सर ने समझाया इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा कल कर लेना अगले दिन फिर से दोबारा कर लेना ठीक है ना ऐसा मत सोचो कि अरे सर टाइम दे दो क्योंकि देखो ना रेस में देखो ना बहुत सारे लोग पहले कर ले रहे हैं आप भी उस रेस में जीतना आपको भी है ना सर अरे नीट आपको भी क्लियर करना है ऐसा थोड़ा सिर्फ देखना है दूर से कि हाँ सही चल रहा है नहीं चल रहा है आपको भी जीतना है ठीक है कैलकुलेशन में जिसको टाइम लगता है ठीक है थोड़ा सा राउंड ऑफ करना शुरू करोगे तो आंसर आ जाएगा पक्का चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने फिर से ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन थोड़ा स... देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है लेकिन हाँ सामने वाला बस मजे लेने के मूड में है वो जान के देखो क्या पूछ रहा है चलो पहले तुम लोग अटेम्प्ट करो इसको बीस तीस सेकेंड लो चालीस सेकेंड मैक्सिमम चालीस सेकेंड मैक्सिमम चालीस सेकेंड लो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम चालीस सेकेंड होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं फोर्टी सेकेंड्स मोर देन सफिशियंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए क्यों क्योंकि सर इसका एक रीजन है आपको क्या बोला गया है वाटर मॉलिक्यूल्स का ड्रॉप का वॉल्यूम बोला गया है जिंदगी में एक लिक्विड है जिसका नाम है वाटर और वाटर के केस में क्या है जो उसका मास होता है वही उसका क्या हो जाता है वॉल्यूम हो जाता है तो सर आप ना जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छे बहुत अच्छी बात है वन ड्रॉप ऑफ वाटर सर सीधा सीधा इसका मास ले लूँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एट ग्राम ले लू क्यों क्योंकि सर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है वन जो उसका वॉल्यूम वही उसका मास इसको सही से लिख दूं यार बार बार इतना कौन लिखेगा तो 18 इंटू टेन की पावर माइनस फोर ग्राम तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 18 इंटू सर 10 uh, 10 की पावर माइनस फोर अपॉन सर एफगैड्रो नंबर सॉरी वेबगार्ट करो डिवाइड बाई क्या जाएगा एटीन तो ये क्या हो गया टेन की पावर माइनस फोर मोल्स और सर किसने बोला मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बताओ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बताओ तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा सर टेन की पावर माइनस फोर इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर 23 कितना हो गया सर सिक्स पॉइंट जीरो कौन सा आंसर आ रहा है अपने पास 10 की पावर 19 कौन सा कौन सा सा आंसर होगा होगा फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें जिन लोगों से गलती हो रही है प्लीज देखो अपने पास ठीक है थोड़ा सा आराम से करो ज्यादा हड़बड़ी में नहीं करना है थोड़ा सा आराम से करो क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है मतलब मूल कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से लैग हो रहा है थोड़ा सा आराम से करो इसको कोई दिक्कत नहीं सर देख लो ना एग्जाम हॉल में मैं यहाँ से स्टार्ट करता वो तो तुम्हें समझाना था इसलिए मैंने यहाँ से किया ना एग्जाम हॉल में थोड़ी ना मैं मास्क को लिखता अलग से वाटर के, के केस में यही फायदा है वाटर के केस के में इसीलिए फायदा हो जाता है हम लोगों के पास ठीक है ना बहुत सही जो लोगों ने आराम आराम से करके खत्म करो ये खा क्वेश्चन कुछ लोगों के टेन की पावर्स में गलती हुई कोई बात नहीं भाई अगली बार ध्यान रखना टेन की पावर्स में गलत मत करना पक्का पंद्रह सेकेंड वाले बहुत बढ़िया बहुत सही ठीक है चलो भाई ये देखो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से प्रोडिक्शन की ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि सर नंबर ऑफ वाले क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया ना ऐसे क्वेश्चंस देखो इसमें पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना है आपको इसमें पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना है ना बस ये चीज देखो आप बस ये चीज देखो कि इस क्वेश्चन को कितने लोग अटेम्प्ट कर सकते और सही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को देखो अपने पास ये क्वेश्चन देखो सबका मास वन वन ग्राम दिया हुआ है सबका मास वन वन ग्राम दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे ठीक है किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे ठीक है किसके होंगे किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे जैसे मुझे इस क्वेश्चन में मैं पहले पार्ट ए का कर देता हूं तो मुझे पहले ए पार्ट कर लेता हूँ सर वन ग्राम इथेन दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना हो जाएगा सर वन अपॉन कितना हो जाएगा थर्टी और इसी को मैं सही से लिखूँ तो इसका थर्टी मोल्स ऑफ सी टू एच सिक्स आएगा और वन बाई थर्टी इन टू इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे देख बेटा एक एक स्टेप मैं तेरे लिख रहा हूं ट्राई करके इसको अब अगली बार जब भी करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे इसको सर मॉलिक्यूल्स एटम्स कितने होंगे तो सर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं कार्बन के दो और हाइड्रोजन के कितने हैं सिक्स कार्बन के कितने हैं दो और हाइड्रोजन के कितने हैं सिक्स तो एट होंगे एट इंटू वन बाई थर्टी सर इतने एटम्स होंगे सर एट इंटू वन बाई थर्टी एटम्स होंगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को देखो तो ये भी कितना होगा वन अपॉन ट्वेंटी एट और ये वन अपॉन ट्वेंटी एट मोल आ गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वन बाई ट्वेंटी एट इन टू नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के और एटम्स कितने हो जाएंगे तो सर एटम्स के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा सर एटम्स के लिए मल्टीप्लाई करूंगा इतने एटम्स सर ये सब कुछ आप मल्टीप्लाई करके देख लो नाइट्रोजन के एटम्स एटम्स इतने हो जाएंगे सर सिमिलरली का इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर देखोगे तो सिल्वर का मास कितना होता है वन जीरो एट सिल्वर का मास कितना होता है वन जीरो एट और सर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे एन ए इंटू वन जीरो एट एटम्स ऑफ सिल्वर सर लास्ट वन ग्राम ऑफ वाटर दिया है तो मैं ऐसा कर देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालता एंड दैट विल बी मोल्स वाटर के और वन बाई एटीन इन टू क्या करूंगा एवगैड्रो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन के एक तो थ्री इंटू वन बाई एट इतने मॉलिक्यूल एटम्स हो जाएंगे इतने क्या हो जाएंगे एटम्स हो जाएंगे तो सर किसके मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं ये कितना हो गया वन बाई सिक्स इसके कितने हो गए एन ए बाई सिक्स एन ए बाई सिक्स इज़ नथिंग जीरो पॉइंट वन सिक्स एन ए आइटम्स इसके आइटम्स आ गए ये तो बहुत ही कम हो गया तो इसको तो हटा ही दो ये कितना हो गया एन ए बाई फोर्टीन हो गया ये भी वन बाई फोर्टीन है वन बाई फोर्टीन है तो ये भी कम हो गया ये दोनों तो गए वन बाई ये कितना हो गया फिफ्टीन हो गया और ये कितना हो गया फोर बाई फिफ्टीन तो फोर बाई फिफ्टीन इज नथिंग जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट इसके बारे में बात करें तो जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा आ, जीरो पॉइंट टू और कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू सिक्स जीरो पॉइंट टू सिक्स एन ए आएगा तो इन दोनों को कंपेयर कर लो जीरो पॉइंट टू सिक्स और जीरो पॉइंट वन सिक्स कौन सा बड़ा है फर्स्ट वन क्या होगा इसका आंसर ए एं होगा क्या होगा इसका आंसर ए होगा ध्यान से देखो भाई थोड़ा सा चेंजेस किए गए वन ग्राम ऑफ इथेन दिया गया है तो सर इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे इसके नंबर ऑफ़ एटम्स इतने आ रहे इन लोगों का तो बहुत ही कम आ रहा है देख लो मल्टीप्लाई करके एफगैड्रो नंबर अपॉन ऑन फोर्टीन आ रहा है ये तो सबसे कम हो जाएगा ये बेचारा एफगैड्रो नंबर अपॉन सिक्स आ रहा था तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा पक्का तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपने पास तो इस तरह की चीजें करते रहो चलो भाई बढ़िया अब देखते हैं आगे की चीजें आगे देख अगला क्वेश्चन देख भाई छोटे छोटे चीजें हैं फटाफट -फड़ इसको देखते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ सर ये देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन जब मिल जाए कि दो मिलीग्राम कैल्शियम है उसमें से इतने आइटम्स मैंने रिमूव कर दिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम आइटम्स मतलब मोल एटम्स बताने हैं सर आपको कितने मोल एटम्स कैल्शियम के लेफ्ट हैं सर इस क्वेश्चन को देखो कितने मोल एटम्स कैल्शियम के लेफ्ट हैं सर इसके कितने मोल एटम्स कैल्शियम के लेफ्ट होंगे अगर दो मिलीग्राम कैल्सियम दिया है उसमें से मैंने इतने एटम्स रिमूव कर दिए तो सर कितने मोल एटम्स कैल्शियम के रिमूव मतलब बचे हुए होंगे बचे हुए कितने होंगे सर सीधी सी बात है मोल्स कितने बचे होंगे तो सर लेफ्ट मोल्स ऑफ लेफ्ट मोल एटम्स ऑफ मोल एटम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम एटम्स जो लोगों का हो जाए बहुत बढ़िया भाई ट्राई करो ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम अगर लेफ्ट मोल्स ऑफ कैल्शियम देखना है तो सर कितने मोल्स पहले शुरुआत में कितने मोल्स हैं सर शुरुआत में कितने मोल्स हैं आपके पास सर शुरुआत में कितने मोल्स हैं अगर मैं बात करूं तो शुरुआत के मोल्स कितने होंगे सर शुरुआत के मोल्स आपके कितने होंगे इतने मोल्स होंगे आपके इतने मोल्स होंगे शुरुआत में दो मिलीग्राम है उसको कितने डिवाइड कर दो फोर्टी से और इसमें से कितने मोल्स आपने रिमूव कर दिए तो सर टू इंटू टेन की पावर वन पॉइंट टू इंटू टेन की पावर नाइनटीन एटम्स रिमूव कर दिए तो इनके मोल्स कैसे निकालोगे सिक्स इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री ऐसे ही कुछ करने वाले हैं ना देख लो अगर मेरे से कोई बोल दे कि सर आपने एक काम करो सर ये ये इसके नंबर ऑफ मोल्स ये किसके हैं सर ये मोल्स इनिशियली प्रेजेंट हैं इनिशियल मोल्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग इनिशियल मोल्स क्वेश्चन में देख लो तुम्हें मोल्स निकालना है इसलिए तुम ऐसे करो करो सॉल्व ये रिमूव्ड मोल्स हैं कम हटाए गए Moles, इतने moles मैंने क्या किए हटा दिए तो क्या आंसर आना शुरू होगा अगर मैं सही सॉल्व सोल्व करूँ टू अपॉन फोर्टी टू अपॉन फोर्टी कितना हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ वन बाई ट्वेंटी और इसको सॉल्व करूंगा तो फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फाइव इसको सॉल्व करूंगा तो ये ट्वेल्व हो गया तो इसको भी कितना हो जाएगा टू इंटू टेन की पावर माइनस फाइव आंसर निकालूंगा थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फाइव तो क्या आंसर आ जाएगा थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फाइव सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर देख लो इनिशियल मोल्स कैसे निकाला गिवन मास किस में मिलीग्राम में दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करो सर सी में अपने पास मिलीग्राम डिवाइड बाई फोर्टी कुछ लोगों अच्छा एक चीज और भाई ये इस तरह के सेशन में आपको आने से पहले आपको रिवाइज करके आना है ठीक है ना ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही आ रहे भाई ऐसे ही तो फिर ऑब्वियस है ना फिर तो ऐसा लगेगा भाई बार क्या चल रहा है आपको रिवाइज करके आना है ये ट्राई करो कि हाँ कर जितना हो सकता है रिवीजन करके आया जाए ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ इस सीरीज का नाम ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज तो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है थ्योरी प्रैक्टिस नहीं करनी यहाँ थ्योरी रिवाइज नहीं करना है आप आइए क्वेश्चन के साथ लग जाइए यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन के साथ लग जाइए और अटेम्प्ट करके निकालिए गलत होगा सीखिए सही होगा तो ये देखिए कि हाँ यार मैंने सही सोचा जो सर कता रहे थे वही सही चल रहा है कोई दिक्कत नहीं जिसको जो लगता है ठीक है करते रहो प्रैक्टिस करते रहो बोलते ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लेकिन वो एक दिन में परफेक्ट नहीं आता प्रैक्टिस पहले प्रैक्टिस करते हैं ना तो इंप्रूवमेंट आती है प्रैक्टिस का एक रूल होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हो तो, तो लास्ट रिजल्ट है प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करते हो पहले प्रैक्टिस करते हो थोड़ी इंप्रूवमेंट आती है बार बार प्रैक्टिस करो थोड़ी और इंप्रूवमेंट आएगी और इंप्रूवमेंट आएगी बाद में इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि सर इंप्रूवमेंट तो छोड़ो आदमी परफेक्ट हो चुका होता है बोलते हैं ना कि टॉपर्स तुक्का ही मारते तो सही तुक्का मार लेते हम लोग सर तुक्का मारते हैं हमारा लक ही काम नहीं करता और टॉपर मारता है तुक्का सही लग जाता है क्यों क्योंकि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका है ना किसको पता है ठीक है नेक्स्ट चैप्टर अपना इसका कंटिन्यूएशन पार्ट रहेगा सॉल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर आपको पहले ही बताया तो सॉल्यूशन रहेगा ठीक है ना डोंट वरी सॉल्यूशन रहेगा ठीक है अब ये सीरीज चलती रहेगी तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो सॉल्यूशन रहेगा ठीक है हाँ नेक्स्ट चैप्टर अपने सॉल्यूशन रहेगा ट्वेल्थ क्लास वाला ठीक है ना उसको देखेंगे सॉल्यूशंस अपने पास क्योंकि नीट 2023 की सीरीज है तो हम लोग जो चैप्टर्स कनेक्टेड है उनकी बात करेंगे ठीक है हाँ ट्राई कर भाई जितना हो सकता है किसी को लगता है कि हाँ मेरे से गलती हो रही सीखो इससे कि हाँ सर मैं इसे और क्या क्या सीख सकता हूँ चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो इसमें ट्रिक में देखो कितने लोग फंसते हैं ये क्वेश्चन देखो अपने पास ये क्वेश्चन देखो अपने पास ये क्वेश्चन देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 एएमयू ऑफ थ्री HNO3 थ्री के 126 एएमयू ले रहे हो तो सर उसमें क्या होगा ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे सर एच एन ओ थ्री का मास कितना होता है सर एच एन ओ थ्री का मास कैलकुलेट करोगे तो एच एन ओ थ्री का मास जो निकल के आएगा वो सिक्सटी थ्री ए एम यू आएगा एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना आएगा मॉलिक्यूल ऑफ एच एन ओ थ्री कैलकुलेट करोगे हाइड्रोजन का वन नाइट्रोजन का फोर्टीन ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू थ्री तो सर क्या होगा अपने पास सिक्सटी थ्री एम यू आएगा सर 126 ट्वेंटी में सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच एन ओ थ्री अगर मुझे निकालना है तो वो कितने हो जाएंगे 126 ट्वेंटी सिक्स अपॉन सिक्सटी सर वो कितने होंगे टू दो मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं तीन तो सर आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे ऑक्सीजन के आइटम्स कितने होंगे सिक्स होंगे ऑक्सीजन के आइटम्स कितने होंगे सिक्स अब आदमी देखते ही आंसर सी मार देगा सी आंसर नहीं होगा भाई साहब सी आंसर होगा ही नहीं सिक्स आइटम्स नहीं पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है मोल्स पूछ रहा है तो सर वॉट इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब आपको एटम दिया होता है या पार्टिकल्स दिए होते तो आप किससे डिवाइड करते हो नंबर से तो आंसर क्या आएगा डी आंसर आएगा आंसर क्या आएगा डी आंसर आएगा तो सर ये सब चीजें सीखो आप ये सब चीजें देखो कि सर मुझे यहां पे गलती नहीं करनी यहां पे गलती, गलती नहीं करनी सर सिक्स आंसर दिया हुआ है वो जान रहा है कि तुम ऐसी गलती करोगे वो ये भी जान रहा है कुछ लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के आंसर टिक कर देते हैं तो टू आंसर भी दे के बैठा हुआ है टू आंसर भी दे के बैठा हुआ है तो इसलिए ट्राई करो भाई चीजों से सीखो आंसर क्या आएगा डी आएगा आंसर क्या आएगा डी आएगा बहुत बढ़िया बहुत सही चलो अच्छे क्वेश्चंस को पकड़ के देखोगे हाँ यार ये क्वेश्चन में कैसे ट्रैप होता मैं और सीखो इससे अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब सर ये क्वेश्चन अगर सर 11.35 लीटर ऑफ गैस वेस 14 ग्राम 11.35 लीटर अगर 14 ग्राम हो रहा है तो सर ये गैस कौन सी है ये गैस कौन सी है सबको पता है आज के टाइम पे सबको पता है कि जनरली हम लोग 22.7 लीटर्स को अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी न्यू डेफिनेशन 22.7 लीटर्स को एक मोल मानते हैं 22.7 लीटर्स को क्या मानते हैं एक मोल मानते हैं ये मेरे लिए क्या हो जाता है वन मोल कंसीडर किया जाता है आज के टाइम पे ये अपने पास 22.4 भी होता है लेकिन हाँ ट्वेंटी तो सर इसका आधा किया हुआ है मैं ऐसा लिख सकता हूं सर वन मोल ऑफ गैस एट वन बार सर ये चीज ध्यान रखना अपने पास वन बार एंड टू सेवेंटी थ्री उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है उसका वॉल्यूम हो जाता है उसका वॉल्यूम हो जाता है 22.7 लीटर। लीटर्स तो सर अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं सर 11.35 लीटर लीटर्स का लीटर ऑफ गैस हैज़ मास 11.3 लीटर गैस का मास कितना है 14 ग्राम है तो सर सर फोर्टीन ग्राम मास है तो एक काम करते एक ग्राम मास के लिए कितना हो एक लीटर के लिए कितना हो जाएगा फोर्टीन अपॉन 14 अपॉन एलेवन पॉइंट थ्री फाइव और सर इसीलिए अपने पास अगर मैं ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन लीटर्स लूंगा तो इसके लिए कितना हो जाएगा 14 अपॉन एलेवन पॉइंट थ्री फाइव इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन कितना हो गया अपने पास ये टू टाइम्स कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट

जिन लोगों को लगता हो 22.7 कैसे आया 22.4 पढ़ा था बेटा 22.4 कब आता है जब वहां वन ए लिया जाता है वन बार के बदले वन ए ले लो तो क्या आ जाएगा 22.7 पक्का तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं क्वेश्चंस करते जाओ आंसर्स निकालते जाओ श्योर हो तो सर ये देखो अगला क्वेश्चन देखो ये देखो सर आप जब मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो तो वहाँ पे एक आता है लॉ ऑफ लॉज आते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉज ऑफ मल्टीपल पपोशन सर वो लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के वो कैसे कर रहे होंगे वो कैसे हो रहा होता है देखो अपने पास इसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं इसको कैसे हम लोग अटैम्प्ट कर रहे होते हैं यही सब चीजें कैसे होती है सर अपने पास ये देखो ना ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या बोल रहा है कि सर बताओ कितना मास होगा इसका मास कितना होगा बी का मास कितना होगा बी का मास कितना होगा ठीक है बी एस ओ फोर का मास कितना होगा सर बी एस ओ फोर का मास कैसे निकाल दूं मुझे पता है जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है सर कुछ लोग तो भाई ये कैलकुलेशन लगाने लगते हैं इसमें सर मूल कॉन्सेप्ट लगाते हैं अभी मूल कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है ऊपर हिंट दिया है किसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना है ना कि मोल कॉन्सेप्ट का स्टॉइसमेट्री स्टॉयसमेट्री यूज नहीं करना आप सीधा सीधा पकड़ लो कि सर मास ऑफ अगर मैं मास बात करूं मास ऑफ बी एस सी एल टू और मास ऑफ एच टू एस ओ फोर सर ये इक्वल होगा किसके इक्वल मास ऑफ बी एस ओ फोर प्लस प्लस मास ऑफ एच सी एल सर यहाँ स्टमेट्री यूज ही नहीं करनी क्या करना है तो बस देख लो सर बी एस ओ फोर का मास कितना दिया है ट्वेंटी पॉइंट एट प्लस सर कितना नाइन पॉइंट एट एंड दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी एस ओ फोर नहीं पता सर सेवन पॉइंट थ्री ग्राम और प्लस मास ऑफ बी एस ओ फोर सर मास ऑफ़ बी एस फोर यहाँ से निकाल दो क्या हो जाएगा बी एस फोर का मास कितना हो जाएगा सर ये अपने को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा थर्टी पॉइंट सिक्स हो जाएगा माइनस सेवन पॉइंट थ्री सर दैट विल बी ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री ग्राम सर इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन हाँ अगर आपने देखे नहीं है तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत कर सकता है पाँच सेकंड बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया जो लोगों का जल्दी जल्दी हो रहा है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात तो ऐसे ही ट्राई करते रहो ऐसी चीजें करते रहो आंसर आता रहेगा मास कंजर्व करना है अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन और भी आसान सा है इसमें तो हाथ पेन उठाने की जरूरत भी नहीं अगर दो एलिमेंट मिलते हैं अगर दो एलिमेंट मिलते हैं और वो अगर दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते ऐसे ए बी बना दे ए टू बी बना दे ए थ्री बना दे अगर ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं अगर ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं ए बी बना दे ए टू बी बना दे ए थ्री बना दे तो सर ये ध्यान रखना अपने पास इसके केस में क्या होने वाला है सर इस केस को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सर याद रखो ये सब चीजें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को देखो क्या बोल रहा है कि सर दो लोगों को मिक्स कर दिया वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है दो कंपाउंड बन रहे हैं तो सर ऑब्वियस है इसमें कौन सा कौन सा होगा आंसर डी आंसर आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा जब भी दो एलिमेंट्स मिलके अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते जब भी दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते उस केस में जब भी एक दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना दे समझ जाओ उस केस में क्या करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लेना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लेना है पक्का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोशन लेना है पक्का एक एलिमेंट दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए चलो अगला क्वेश्चन अब अब इस इस थ्योरी को करने के बाद अगला क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो सकता है अब अगला होगा जब मैंने क्या बोला जब दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए इस केस में क्या होने वाला है इस केस में क्या होने वाला है इस केस में क्या होगा यहाँ किसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा यहाँ नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है तीन एलिमेंट्स हो गए तीन एलिमेंट्स में नहीं होता तो ए ऑप्शन एलिमिनेट करो तीन एलिमेंट्स होंगे थोड़े ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा यहां ना दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए यहां हाइड्रोजन है यहाँ सल्फर है ऑक्सीजन है यहां भी नहीं होगा यहां कार्बन है सल्फर है आयरन है ऑक्सीजन है ये तो और नहीं होगा सर यही होगा अपना आंसर वेरी गुड क्यों क्योंकि सर मल्टीपल प्रपोर्शन का एक रूल होता है मल्टीपल पोर्सन का एक रूल होता है ठीक है मल्टीपल पोर्सन का रूल होता है कि सर यहाँ पे जब भी आप देखेंगे ये दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए उनके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनने चाहिए उनसे उनके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनने चाहिए पक्का वेरी गुड जिन लोगों का एक सेकंड में हुआ बहुत शानदार बस ऐसे रिवाइज करके बनो परफेक्ट बनोगे ऐसे ही चलो अगला टॉपिक देखो अगला टॉपिक क्या है अगला टॉपिक है इंपेरिकल फार्मूला अगला टॉपिक है इम्पेरिकल फार्मूला अगला टॉपिक है इंपेरिकल फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया इंपेरिकल फार्मूला किसी का दिया है सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन एक है सर अपना इंपेरिकल फार्मूला दिया है मोलिकुलर मास दिया गया है व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास पहली चीज बताना व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास क्या होगा तो सर मोलिकुलर मास दिया मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा पहले हम लोग क्या निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल दें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल दें क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है सर याद करो थोड़ा सा याद करो एन से रिप्रेजेंट करते थे सर मोलिकुलर मास मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास सर मोलिकुलर मास आपको दिया हुआ है कितना 180 सर एम्पेरिकल फार्मूला का मास कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 30 कितना आ गया 6 एन फैक्टर कितना आ गया 6 एन फैक्टर कितना आ गया 6 तो मॉलिकुलर फार्मूला इज नथिंग एन टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला एन टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला सर एन टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला सिक्स टाइम्स सी करेंगे क्या आ जाएगा सी क्या आ जाएगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बहुत बढ़िया दो सेकेंड पांच सेकेंड दस सेकेंड वाले बहुत बढ़िया चल रहे हो बहुत ही बढ़िया चल रहे हो ठीक है ना ऐसे क्वेश्चन के लिए अब अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्या है कि सर पहले इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो और अगले क्वेश्चन में देखो उसका कैसे एप्लीकेशन है या उसको किस तरह से और देख सकते उसको कैसे देख सकते ये क्वेश्चन ठीक है लाख में से पांच लाख लोग कर लेंगे आराम से दस लाख लोग भी कर लेंगे लेकिन इसके अगले वाले क्वेश्चन में जान लगी पड़ी है इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखोगे ना तो मजा आएगा ये देखो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन ये देखो और अब देखो अब देखो मजा अब देखो इसका मजा ये देखो अपने पास ये क्वेश्चन पकड़ो अपने पास वो तो बस प्रैक्टिस करने के लिए रियल क्वेश्चन तो ये सब है अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो भाई कैसे होगा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सर इंपेरिकल फॉर्मूला फिर से वही दिया हुआ है इवन देखोगे रिजल्ट भी अपने पास उसी टाइप का आएगा लेकिन थोड़ा पढ़ना ध्यान से इसका सर इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से जीरो वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब एक ग्राम हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन का आइटम है कितने में जीरो पॉइंट जीरो काम करे मुझे ना देखो अपने पास ऐसा दिया हुआ है एक काम कर लेते सर जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री फाइव मोल ऑफ कंपाउंड सर इतने मोल ऑफ कंपाउंड में कितना है इतना है हाइड्रोजन हैज़ वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सर देख लेना अपने पास मतलब इतने मोल में एक ग्राम हाइड्रोजन है मतलब एक आइटम है वन ग्राम हाइड्रोजन मतलब एक आइटम है तो किसने बोला सर ये काम कर लेते हैं ना यार इतना मेहनत क्यों करें एक मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे एक मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे सर ये कैलकुलेट कर लेते हैं ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इलेवन पॉइंट नाइन कुछ आ जाएगी या मैं कितना ले लेता हूँ हाइड्रोजन या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे सर देख लो क्वेश्चन का ट्रिक देखो अपने पास क्या हो जाएगा बारह हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे देख लो किसमें बारह हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर क्या आ जाएगा ए सर देख लो कैसे कर रहे हैं हम लोग कैसे किया इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस का ध्यान रखो कि सर ये ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने को पता है सी एच टू एम्पेरिकल हाँ सर अभी अभी अगला सीरीज अगले वाला जो चैप्टर आएगा ना उसमें देखो ये तो पहला था तुम्हें भी थोड़ा आइडिया आना था कि हाँ सर अब श्रीदम के लिए तैयार हो जाओ अगले चैप्टर में जब सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे ना तो ज्यादा मजेदार क्योंकि आज तो हमने स्टार्ट कर रहे हैं आज सीरीज स्टार्ट हो रही है थोड़े इजी इजी क्वेश्चन से कर रहे हैं

अब स्टर्शमेट्री की बारी आई अब स्टर्शमेट्री की बारी आई अब स्टर्शमेट्री की बारी आ गई अब सर मूल कॉन्सेप्ट में एवरेज एटॉमिक मास मोल्स कर लिया एटम्स कर लिया अब अब इसकी स्टर्स की बारी आ गई स्टमेट्री की आ गई अपने पास बार ठीक है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है भाई टेंशन मत ले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा अपने को वेट एंड वॉच अभी मोल कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है इसलिए कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा है जैसे ही सोल्यूशन पहुंचेंगे वहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगले अगले जो सीरीज आएगी उसमें स्टेटमेंट बेस्ड एसर्सन रीजन बहुत मिलेंगे मूल कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये ना केमिस्ट्री स्टार्ट करता है स्टार्ट करता है तो इसलिए क्या होता है थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है हमें कि हाँ भाई थोड़ा सा स्टार्ट लगने में टाइम लगेगा पहले आप बेसिक बेसिक मोल्स निकालो अब जैसे सोचो तो ना हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रोपेन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए यार इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा प्रोपेन के लिए सर प्रोपेन का मतलब सी थ्री एच एट और सर इसको कॉम्बसन करोगे तो क्या होगा सी ओ टू प्लस एच टू बनेगा सी ओ टू प्लस एच टू बनेगा सी ओ टू के कितने मोल्स हो गए ये थ्री इधर कितना हो गया बैलेंस करो भाई ये कितना हो गया फाइव सर सीधा सीधा दिख रहा है आंसर सर एक मोल के लिए इसको ध्यान से पढ़ो इस रिएक्शन को तो एक मोल के लिए कितना होगा पांच मोल एक मोल के लिए कितना पांच मोल तो सर कुछ सोचना ही नहीं है एक मोल के लिए सीधा रिएक्शन लिखो आंसर आ जाएगा रिएक्शन लिखो आंसर आ जाएगा रिएक्शन लिखो आंसर आ जाएगा रिएक्शन लिखो आंसर आना शुरू हो जाएगा तो सर एक मोल से इसके पांच मोल रिएक्ट कर रहे एक मोल से इसके पांच मोल रिएक्शन कर रहे पक्का चलो भाई ये स्टोशमेट्री का क्वेश्चन हो गया ये किसका हो गया स्टॉसमेट्री का क्वेश्चन अब स्टोशमेट्री स्टार्ट करी तो स्टॉसमेट्री में हम लोगों ने सर दो तीन चीजें करी थी एक किया था एक परसेंटेज किया था एक इल्ड किया था एक परसेंटेज किया था तो चलो भाई ये देखो अपने पास ये वाला क्वेश्चन देखो अब ये सुंदर सा क्वेश्चन देखो स्टोशमेट्री का रियल मजा इन सब क्वेश्चन में है ना स्टमेट्री का रियल मजा इन सब टाइप के क्वेश्चन में स्टैशमेट्री का रियल मजा इन सब टाइप के क्वेश्चन में करते चलो 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ठीक है रिएक्शन कर रहा है एच टू एसओ फोर से करने तो भाई इल्ड पूछ रहा है मतलब इल्ड मतलब परसेंटेज कितना परसेंटेज इल्ड है चलो भाई चेक करते कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एच टू एसओ फोर से कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एच टू एसओ फोर से तो क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और प्लस क्या बन जाएगा एच टू एसओ फोर यही बनने वाला है रेस्ट टू द फोर का कैल्शियम सल्फेट प्लस h2co3 क्या होने वाला है h2co3 रिएक्शन बैलेंस्ड है रिएक्शन बैलेंस्ड है सर देखो अपने पास सर रिएक्शन में देखो 100 ग्राम से 100 ग्राम से 100 ग्राम अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो सर इसका कितना मास बनेगा कैल्शियम का कितना है 40 सल्फर का कितना है 32 और ये कितना हो गया 64 ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 437 और 6136 सौ ग्राम से ये कितना बन रहा है वन थर्टी सिक्स ग्राम सौ ग्राम से नॉर्मल केस में देख लो तो कितना बन रहा है सौ ग्राम से वन थर्टी सिक्स ग्राम तो सर सर अगर सीधी सी बात करें अगर मैं लिख दू ऐसा हंड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस वन थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट तो सर तीन सौ ग्राम कितने के कि, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए तो 300 ग्राम के लिए मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ बाकी जिन लोगों को शॉर्टकट पता है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मैं यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको शॉर्टकट्स नहीं पता होंगे तो वो लोग अपने को क्या कर सकते हैं इसका कितना हो जाएगा फोर जीरो एट ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट लेकिन ये क्या है थ्यूरेटिकल है ये क्या है जो आपने कॉपी पे निकाली थ्यूरेटिकल इल्ड है ये क्या है थ्योरेटिकल एल्ड है मतलब आपने नॉर्मल कैलकुलेशन से क्या निकाल दिया थ्योरेटिकल निकाल दिया थ्योरेटिकली आपने ये निकाल दिया कि 408 ग्राम कैल्सियम सल्फेट बनेगा 408 ग्राम ऑफ कैल्सियम सल्फेट बनेगा लेकिन सर एग्जाम हॉल में लिखा हुआ है कैल्सियम सल्फेट कितना बन रहा है 272 ग्राम मतलब क्या होगा सर एक्चुअल इल्ड कितनी है एक्चुअल इल्ड कितनी है थ्योरेटिकली कॉपी पे निकालना सर क्या है एक्चुअल इल्ड से अलग है सर कितना है 272 ग्राम ऑफ कैल्सियम सल्फेट मतलब नॉर्मल लाइफ में आप 408 और यहाँ पे तो सर परसेंटेज इल्ड क्या होगा परसेंटेज इल्ड क्या होगा तो सर ये देख लो 272 अपॉन 408 जीरो इन अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे अपने पास अब इसको देख लो तो 136 का ये थ्री टाइम्स था और ये टू टाइम्स है कितना हो जाएगा सिक्सटी 6, 6 तो मेरा आंसर क्या आएगा ऑप्शन देख ले भाई का एक क्वेश्चन नॉर्मल और दूसरा क्वेश्चन अब अपने पास क्या आना शुरू हो गया स्टर्शमेट्री का ईल्ड वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओ जब तक आप लिखोगे कितने लोग जो लोग मतलब ठीक है अगर पढ़ रहे हैं पहले से पढ़ रहे हैं तो उनको पता है इतनी सर मेहनत करते नहीं है नॉर्मली केस में इतनी मेहनत करते नहीं हम लोग हम लोग क्या करते हम लोग गिवन देख लेते हैं हम लोग गिवन देख लेते हैं अच्छा भैया 300 ग्राम दिया है मुझे क्या निकालना है ये निकालना है हम लोग एक लाइन में निकाल सकते हैं तीन सौ ग्राम में अपने पास एक लाइन में निकाल सकते हैं कैसे तीन सौ ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करो तीन सौ ग्राम को वन थर्टी सिक्स से डिवाइड बाई हंड्रेड कर दो आंसर आ जाएगा या फिर उससे भी ज्यादा शॉर्टकट मारना है तो सर इसको कितना किया आपने थ्री टाइम्स इसको कितना किया थ्री टाइम्स तो इसको भी कितना कर दो थ्री टाइम्स तो भी आप आंसर निकाल सकते थे पक्का ठीक है तो ऐसे ऐसे चीजें उठा उठा, उठा करते रहो परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन स्टोर्शमेट्री बेसिक स्टॉशमेट्री आज के लिए बहुत इजी सा हो जाता है लेकिन सर उसमें इल्ड का क्वेश्चन हो जाता है इल्ड का क्वेश्चन हो जाता है एक और आता है प्योरिटी का, का भी कॉन्सेप्ट आता है प्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है तो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट देखो जैसे ये दिया है प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी सर ये क्वेश्चन बहुत सर पुराना और बहुत ही ज़्यादा ईजी है लेकिन हाँ बार बार अपने को रिवाइज करना है क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से दिया जाता है ठीक है सर ये क्वेश्चन देख लो वेट ऑफ लाइम ऑप्टेंड बाई हिटिंग टू हंड्रेड के जी ऑफ 95 फाइव परसेंट प्योर लाइम स्टोन ठीक है सर लाइम स्टोन ऐसे कंबशन करता है या डिकम्पोजिशन करता है क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है सी ओ टू पक्का सर अगर नॉर्मल केस में देखें तो इसका सौ के जी होता है तो सर इसका कितना बनता है फिफ्टी सिक्स के जी सर यहाँ पे गलती से भी 200 सौ के जी मत ले लेना बार बार बोलते हम लोग सर 200 सौ के जी मत ले लेना कैल्शियम कार्बोनेट 200 सौ के जी नहीं होने वाला 200 सौ के जी नहीं होने वाला क्यों क्योंकि सर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो देखोगे प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्शन करेगा वो किसका करेगा सर 200 का कितना 95 परसेंट दो का 95 फाइव परसेंट सॉल्व करोगे तो 190 सौ आने वाला है और 190 नाइन्टी का कैल्शियम ऑक्साइड का मास बताओ तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन जाएगा तो शॉर्टकट वाले लोग देख लो सुनो शॉर्टकट कैसे लगाना है ये आपको गिवन है हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड लिख देते हैं ऊपर और क्या करते हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी हुई है ऊपर ये गिवन है आपको ये निकालना है तो सिंपल सा गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो इसके स्टैंडर्ड से 190 नाइनटी कितना कर दो 56 सिक्स इसको किससे मल्टीप्लाई करो दिस से और डिवाइड बाई उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा वन जीरो सिक्स पॉइंट फोर के जी आ जाएगा मेरा आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा वन जीरो सिक्स पॉइंट फोर के जी आ जाएगा वन जीरो सिक्स पॉइंट फोर के जी आ जाएगा बहुत बढ़िया जिन लोगों ने जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लिया बहुत सही ठीक है नया संसारी बहुत बढ़िया ठीक है ना और भी लोग सही है सब लोग बढ़िया ठीक है जितना हो सकता है ना फास्ट फास्ट अटेम्प्ट करना शुरू करो ठीक है ना क्योंकि ये सब क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे किए जा सकते हैं ये एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का भी क्वेश्चन आ गया है आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन देखो कैसा दिखता है सर ऐसा जहाँ दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिए हुए सॉरी दोनों रिएक्टेंट दिए हुए जब दोनों रिएक्टेंट की वैल्यूज दी होती है वहां पे लगाते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट वहां पे लगाते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या सर 2p पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा R सर आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है ये दो मोल इसका कितना दिख रहा है एक मोल इसका कितना बनेगा एक मोल आपको गिवन क्या क्या है गिवन क्या क्या है क्वेश्चन देखो गिवन क्या क्या है सर यहाँ एट मोल इसका गिवन है और इसका कितना गिवन है फाइव मोल सर याद करो हमने लिमिटिंग रीजेंट के लिए क्या बनाया था लिमिटिंग रीजेंट के लिए हमने क्या बनाया था सर लिमिटिंग रीजेंट कैसे पहचानेंगे तो हमने बोला था अगर मैं एक लाइन लिखता हूं कि फॉर कंप्लीट रिएक्शन किसी एक का कंप्लीट रिएक्शन करा के देख लो फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एट मोल ऑफ पी अगर आठ मोल पी का पूरा रिएक्ट कर जाए तो मोल्स ऑफ क्यू रिक्वायर्ड बता दो मोल्स ऑफ क्यू रिक्वायर्ड बता दो तो कैसे निकालूंगा दो मोल के लिए कितना चाहिए एक तो आठ मोल के लिए कितना चाहिए होगा सर कैसे निकालूंगा इसको हटा दो एट इंटू वन डिवाइड बाई टू एट इंटू वन डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा चार मोल तो सर इसके चार मोल्स चाहिए मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट यही होने वाला है क्यों क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा तो सर इसके क्यू के कितने जाएंगे चार और यही डिसाइड करेगा यही पी डिसाइड करेगा

चलो भाई और देखो और क्या क्या है तो सर अगला क्वेश्चन देख भाई अगला क्वेश्चन अगेन लिमिटिंग का क्वेश्चन है और अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहा है फिर से लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो फिर से लिखो अपने पास और ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो भाई साहब इन सेकंड ट्राई करने की कोशिश करो कि हाँ सर मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ क्या होगा तो सर यहाँ पे नॉर्मल केस में चार ग्राम है इससे कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है थर्टी टू ग्राम एग्जाम हॉल में गिवन कितना है तो सर इसका गिवन है आठ ग्राम इसका कितना गिवन है आठ ग्राम और इसका कितना गिवन है सिक्सटीन ग्राम सर एक काम करते हैं ये आठ ग्राम और सिक्सटीन ग्राम दोनों के लिए निकालना शुरू करते हैं एट ग्राम और सिक्सटीन ग्राम के लिए निकालना शुरू करते हैं क्या तो सर एक बात बताओ अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि सर ऐसा लिख देता हूँ फॉर कंप्लीट रिएक्शन अगर पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन करा दो किसका फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एट ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर आठ ग्राम हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर जाए तो सर मास ऑफ ओ कितना रिक्वायर्ड होगा मास ऑफ ओ कितना रिक्वायर्ड होगा सर आठ ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायर्ड होगा सर एट इंटू गिवेन इंटू दिस एट इंटू थर्टी टू डिवाइड बाई क्या हो जाता है फोर कितना हो जाएगा अपने पास सिक्सटी फोर ग्राम सर इतना ग्राम ओ टू नहीं दिया हुआ है इतना ग्राम ओ टू नहीं दिया हुआ है मतलब सर अपने को हाइड्रोजन लिमिटिंग रिजेंट नहीं होगा ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन क्या होने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट सर हाइड्रोजन कितना रिय बचने वाला है तो फॉर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड अगर निकालने जाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा 16 इंटू फोर डिवाइडेड बाई 32 सर दो ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और जब दो ही ग्राम रिएक्ट करेगा तो सर मास ऑफ मास ऑफ H2 टू अनरिएक्टेड कितना होगा सर आप हाइड्रोजन लेके कितना गए थे आठ ग्राम बचा कितना रिएक्ट कितना हुआ दो ग्राम बच कितना गया सिक्स ग्राम तो मेरा आंसर क्या आएगा सर बी आंसर आ जाएगा सिक्स ग्राम इज द करेक्ट आंसर सिक्स ग्राम इज द करेक्ट आंसर सर कैलकुलेट तो उसने सीधा सीधा पहले ही बता रखा है कि सर हाइड्रोजन अपना क्या हो रहा है लिमिटिंग रीजन नहीं है हाइड्रोजन ही बच रहा है कितना हाइड्रोजन बचेगा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना लेफ्ट रहेगा अनरिएक्टेड रहेगा वो कितना होगा सिक्स ग्राम होगा ठीक है सिक्स ग्राम से भी हो सकता है ठीक है सिक्स ग्राम से हो सकता है हो। तो करते रहो उठा उठा के। चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखना शुरू करो अगला क्वेश्चन देखना शुरू करो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन आ रहा है लिमिटिंग रीजेंट पे लिमिटिंग रीजन का एक सुंदर सा क्वेश्चन देखो लिमिटिंग रीजेंट का एक अच्छा क्वेश्चन देखो अच्छा सा क्वेश्चन क्या होता है ये रहा बारह मोल दोनों के दिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बारह मोल दोनों को दिए ठीक है बारह मूल दोनों के दिए हुए ठीक है बारह मूल दोनों के दिए हुए ए और बी के ठीक है दे आर अलाउड टू रिएक्ट एज दिस सर इसके बारह मूल इसके बारह मूल दिए बोल रहा है साठ ग्राम डी बन रहा है अच्छे क्वेश्चन की पहचान देख लो अपने पास ठीक है अच्छे क्वेश्चन की पहचान देख लेना अपने पास ठीक है अच्छे अच्छे क्वेश्चन की पहचान देख लो क्या होने वाला है अच्छे क्वेश्चन की पहचान देखना क्या करने वाले हम लोग तो यहाँ पे देख सर मुझे ना लिमिटिंग रीजन पहले पहचानना पड़ेगा सर ये थ्री ए प्लस टू बी है सर ये क्या बना रहा है सी प्लस हाफ डी मुझे इसका कितना दिया गया है बारह मोल इसका कितना दिया गया है बारह मोल सर ये स्टैंडर्ड केस में कितना दिख रहा है इसका थ्री मोल इसका कितना दिख रहा है टू मोल ये स्टैंडर्ड केस है स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल रिएक्शन को देख के पढ़ रहे ये मेरे पास गिवन है अगर मैं इसके बारे में बात करूं अगर ये कंप्लीट रिएक्शन कर जाए फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ

एट मोल्स हो जाएगा उठा के देख लो सर इतना दिया है मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया मेरे लिए ए क्योंकि ए कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ए कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ए कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा तो बी के अपने कितने मोल्स जाएंगे आठ मोल्स ए कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा तो बी कितने मोल्स होंगे आठ मोल्स होंगे ठीक है बी कितने हो जाएंगे अपने पास एट अपने पास कंप्लीटली ए कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो बी के मोल्स कितने हो जाएंगे एट मोल्स रिएक्ट होंगे अब देखो भाई सर यहाँ पे देखो वो पूछ ही नहीं रहा कि सर लिमिटिंग रीजेंट कौन है लिमिटिंग रीजेंट पता चल गया कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा ए होगा हो लिमिटिंग रिजेंट ए होगा ए, हो ए विल डिसाइड कि डी कितना बनने वाला है सर तीन मोल से सर कितने मोल्स बन रहे हैं डी के तीन मूल से कितने मोल्स बन रहे हैं डी के तो यहाँ पे कितने मोल्स बना दू मैं अगर मैं इसको सही से लिखू इसको मैं सही से लिख दू अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो देखना ध्यान से सी प्लस हाफ डी ये कितने होंगे जीरो पॉइंट फाइव मूल्स सर इसके कितने मूल्स होंगे तो ये देख ले भाई कितने मूल्स हो जाएंगे लिमिटिंग रीजेंट में ठीक है कितने हो जाएंगे तो सर मूल्स ऑफ डी मूल्स ऑफ डी प्रोड्यूस कैसे निकालोगे तो मूल्स ऑफ डी प्रोड्यूस देख लो भाई मूल्स ऑफ डी प्रोड्यूस कितना हो जाएगा सर ये कितना हो जाएगा सर 12 इंटू जीरो अपॉन कितना हो गया थ्री तो सर ये कितना हो जाएगा टू मोल्स हो जाएंगे और टू मोल्स ऑफ डी का मास कितना दिया गया है सर टू मोल्स का मास कितना दिया गया है टू मोल्स ऑफ डी का मास कितना है साठ ग्राम तो सर एक मोल का मास कितना हो जाएगा वन मोल ऑफ डी का मास कितना हो जाएगा थर्टी ग्राम और यही इसका क्या आ जाएगा एटॉमिक मास यही इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास यही इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास तो बस उठा उठा कर लो भाई ठीक है ये सारे क्वेश्चंस निपटा दो ये सारे क्वेश्चंस अपने पास निपटा दो पक्का ये सारे क्वेश्चंस अपने पास निपटा दो श्योर हो चलो भाई एक अच्छा सा और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते एक अच्छा सा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे सुंदर सा क्वेश्चन होगा ठीक है ना उसके बाद हम लोग अपने पास हाँ ठीक है बस ये लास्ट क्वेश्चन है ये सुंदर सा क्वेश्चन है अपने पास कि इसको कैसे करने वाले हैं ठीक है अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो ये कैसे अटेम्प्ट करने वाले बस यही है इसके बाद अपने पास हाँ ठीक है इसके बाद नहीं कुछ भी तो ये वाला क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन बात कर रहा हूं अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन को कोई डबल कर दे और प्रोटॉन को हाफ कर दे मास ऑफ न्यूट्रॉन डबल हो जाए और प्रोटॉन क्या हो जाए हाफ तो सर मास ऑफ वाटर क्या होगा बढ़ेगा या कम होगा अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन को मतलब न्यूट्रॉन्स के मास को मैं चेंज कर दूं मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल कर दूं और प्रोटॉन का क्या कर दूं हाफ कर दूं तो सर वाटर के मास के साथ क्या होने वाला है वाटर का मास कितना होगा वाटर का मास कितना होगा ठीक है वाटर का मास कितना हो जाएगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा पहले एक बात बताओ पहले पानी के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे सर आठ तो क्या हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स सर आठ ही क्यों होंगे बिकॉज हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन होता नहीं और दस क्या होते हैं प्रोटॉन्स हो जाते हैं। पक्का तो सर पहले इसका मास कितना था टेन टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एट टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये दोनों इक्वल थे तो हम लोग कितना ले लेते थे एटीन ले लेते ले ले थे ये इनिशियल था जब आपने कोई चेंज नहीं किया क्यों क्योंकि सर नॉर्मल केस में मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सर अब मास ऑफ प्रोटॉन को हमने क्या किया सर H2O में अभी भी प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं दस ही प्रोटॉन हैं लेकिन अब उनका मास कितना हो जाएगा सर मास ऑफ प्रोटॉन को आपने हाफ कर दिया तो दस प्रोटॉन का मास मतलब कितना हो गया पुराने वाले के रिस्पेक्ट में 5 और सर आठ न्यूट्रॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स का मास आपने क्या किया डबल कर दिया तो सर डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपका मास कितना हो जाएगा? सर फाइव 16 न्यूट्रॉन्स और टोटल कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन सर ये मास कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन कितने का इंक्रीज हुआ पहले आपका मास कितना था 18 अब कितना हो गया 21 तो सर इंक्रीज कितने का हो रहा है इंक्रीज कितने का हो रहा है 21 वन माइनस एटीन थ्री का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे करोगे सर जो चेंज हो रहा है डिवाइड बाय ओरिजिनल मास इन टू हंड्रेड सर ये कितना आ जाएगा हंड्रेड बाई सिक्स कितने से इंक्रीज कर रहा है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट से इंक्रीज कर रहा है कितने से इंक्रीज कर रहा है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स या सिक्स सेवन परसेंट से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है पक्का। तो इसका क्वेश्चन देख लो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप ट्राई करोगे घर पर जाके दोबारा एक बार देखो लेक्चर्स को देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है कुछ लोगों के साथ सीधी सी बात है ठीक है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है भाई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आना है ठीक है ना यहाँ पे आप थ्योरी सोचोगे थ्योरी कंप्लीट तो नहीं होगी ऑब्वियस ये सारा सारा लिए उन बच्चों के लिए रखा जा रहा है जो भाई घर पे पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये क्वेश्चंस करने उनके लिए पक्का तो ये सब चीजें छोटी छोड़ छोटी हैं छोटी छोटी चीजें हैं जो आज हमने रिवाइज करी हैं मूल कॉन्सेप्ट की चीजें हमने रिवाइज कर ली हैं थोड़ा सा अब एक बार इसको हम लोग घर पे जाके एक बार और प्रैक्टिस करेंगे चीजें देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ यार मुझे ऐसे ऐसे चीजें करनी है ट्राई करना जितना हो सकता है आप लोगों को और भी क्वेश्चंस अगले सेशन में आ जाएंगे क्योंकि आज पहला सेशन था तो इसलिए हम ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं और ज्यादा अपने पास क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला बहुत सारे लोग का मैसेज आया इंस्टा पे इधर उधर कि सर थोड़ा सा ना प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो अगली बार पहले बता देंगे तो अगली बार आपको अगली बार का चैप्टर ही बता दिया सोल्यूशन चैप्टर अपना क्लास का है उसमें वेंटर फैक्टर uh, सारा कुछ आ रहा होगा ठीक है ना तो सब कुछ जैसे अभी इंजॉय कर रहे हो ना अब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अब ये सेशन स्टार्ट हो चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है कुछ और नहीं ठीक है ना डॉक्टर बनने की जो प्रैक्टिस है ना जो डॉक्टर बनने का जो प्रेशर लेने का है जब बोलते हैं ना डॉक्टर्स बनोगे तो उस टाइम पे यही सब हो रहा होगा कि रात के के रात के 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 टाइम टाइम पे पे बैठ कर कर रहे रहे हो हो ठीक है ना प्रैक्टिस तो वही सेम चीज यहाँ कर रहे हैं कि सर इस टाइम को आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करो हर एक हफ्ते ये टाइम बना लो कि हाँ मुझे आना है और मुझे इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सर के साथ मुझे क्वेश्चन देखने जहाँ पे टाइम लिमिट लगा हो जहाँ पे चीजें हो रही हो पक्का तो सब लोग आराम से अपने पास आ ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको उसकी टेंशन ना लीजिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन आज किए हैं अगले सेशन में और भी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं ठीक है ना तो अगले सेशन के लिए एकदम और तैयार होकर आइए जैसे ही आपको टॉपिक पता चलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए आइए थ्योरी की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखिए ट्राई कीजिए जितना हो सकता है पक्का तो क्वेश्चंस करते जाते हैं प्रैक्टिस करेंगे इंप्रूवमेंट करेंगे इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि नीट 2023 में ना जाके डंका बजा के आए बोलता ना पीडब्ल्यू वाले डंका बजा के आए पे कि हाँ सर हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ठीक है तो चलो सब लोगों को ओके सब लोग बाय बाय गुड नाइट सब लोगों को टाटा बाय बाय गुड नाइट अच्छा लगा सब लोगों से मिल के हाँ पीडीएफ मिल जाएगी डोंट वरी ठीक है ना पी मिल जाएगी अब ये कहाँ मिलेगी आपको शायद नीचे दिया होगा आपको नीचे मिल जाएगा उसमें ठीक है ना उसमें मिल जाएगा द्रोणा बैच की लिंक में या पीडब्ल्यू की ऐप में कहाँ मिलेगा वो सब कुछ लिखा हुआ है ओके थैंक यू यकीन टू पॉइंट टू वाले बाकी भी अर्जुना सब लोगों को थैंक यू आप सब लोग आए प्रैक्टिस करते रहिए हाँ अगली बार और भी ज्यादा चीज़ें आएंगी और और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आएंगी ठीक है ना चलो इंजॉय करो सब लोग बाय बाय